हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और साथ ही हमारी वीडियोस पे अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आज ये सिनॉप्सिस का पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से लिटरेचर सिटेट को लिख सकते हैं, और हम साथ में ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट लिटरेचर सिटेट को लिखते समय कहाँ कहाँ एरर करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर दिए गए कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट इज सिनॉप्सिस और सिनॉप्सिस में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग या रिसर्च के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम लिटरेचर सिटेट को लिखने का सबसे आसान तरीका सीखते हैं। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि स्टूडेंट लिटरेचर सिटेट लिखते समय कहाँ कहाँ एरर करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, इसको हम ओपन करते हैं और हम लिटरेचर सिटेट को लिखना सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएँ कि यहाँ आप देखिए सहारन एट ऑल 2013। दोस्तों, कभी भी आपने कोई रिसर्च पेपर को रीड किया हो तो उसमें आपने इस तरीके से किसी भी साइंटिस्ट का नाम ज़रूर देखा होगा, किसी भी साइंटिस्ट या ऑथर का नेम साथ में एट ऑल 2013 या कोई सा भी ईयर। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है, इसको जब एक्सपेंड फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को लिटरेचर सिटेट कहते हैं। जैसे भी कोई रिसर्च का आर्टिकल होता है तो उसका सारी डिटेल इस लिटरेचर सिटेट में ही होती है। तो इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑथर का नेम, उसके बाद ईयर, फिर टाइटल, जर्नल, उसके बाद वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर। दोस्तों, इसी को इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसको हम सिंपल बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ऑथर के नेम लिखे हैं, जिनको हमने इनकी फुल फॉर्म में लिखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा एक सैम्पल है जिसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक एरर फ्री लिटरेचर सिटेट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पार्ट को समझते हैं। ये है ऑथर नेम। इसको समझने के लिए हमने यहाँ कुछ ऑथर के नेम टाइप किए हुए हैं, इसको आप हम अच्छे से देखिए। जैसे विनोद सहारन, ये इनका फर्स्ट नेम है और ये इनका लास्ट नेम है। जैसे एस एस शर्मा, ये इनका फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है और ये इनका लास्ट नेम है। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर सिटेट के अंदर सबसे पहले लास्ट नेम को लिखा जाता है, उसके बाद जो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होता है उसका पहला लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, यह आप देख सकते हैं, और जो लास्ट नेम होता है वो उनका पूरा लिखा जाता है। लेकिन जितने भी आप नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि इनका सभी का पहला लेटर सभी का कैपिटल आ रहा है। जैसे आप ये देखिए, शर्मा एस एस, ये एस एस शर्मा है। तो इनका आप देखिए कि मिडिल नेम और फर्स्ट नेम आखिरी में लिखा गया है लेकिन कैपिटल में है, और शर्मा का एस भी कैपिटल में लिखा गया है। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो लास्ट में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से ऑथर का नेम लिखा जाता है। अब ये तो हुआ दोस्तों नेम। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप कुछ कोमा देख पा रहे होंगे, कुछ डॉट्स और कुछ कोमा इस तरीके से देख पा रहे होंगे। साथ में यहाँ पे स्पेस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले आप ऑथर का लास्ट नेम लिखें, उसके लास्ट नेम लिखने के जस्ट बाद आपको एक कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के जस्ट बाद आपको एक स्पेस देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्पेस है सहारन और वी के बीच में, और साथ में यहाँ कोमा लगा हुआ है। उसके बाद आप देखिए, इसको और समझने के लिए हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए कि वी के बाद डॉट लगा हुआ है, क्योंकि वी इसकी फुल फॉर्म नहीं है इनकी, इसलिए यहाँ पे हमें डॉट लगाना होता है, और इसके बाद जस्ट उसके वी डॉट के बाद हमें कोमा लगाना होता है, और कोमा के जस्ट बाद फिर से हमें स्पेस देना होता है, और उसके बाद सेकेंड ऑथर का नेम, और फिर आप देख पा रहे हैं ये इनका लास्ट नेम है, और उसके बाद जस्ट कोमा लगा हुआ है, और कोमा के जस्ट बाद आपको स्पेस देना है, और उस तरह से फिर ए डॉट कोमा और फिर स्पेस। इस तरीके से आप सभी ऑथर्स के नेम लिखते जाएं। और अब यहाँ आखिरी में आते हैं हम, तो पाल कोमा स्पेस दे रखा है हमने यहाँ पे, उसके बाद ए डॉट डॉट कोमा स्पेस, और अब यहाँ सेकंड नंबर पे हमारा जो पॉइंट था वो था ईयर्स, तो यहाँ हमने 2013 लिखा, तो इस जगह ईयर आएगा। उसके बाद आप देखिए, ईयर के जस्ट बाद यहाँ डॉट लगा हुआ है, और डॉट के जस्ट बाद आपको स्पेस देना है, और आपका कंप्लीट टाइटल लिखना है। और दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटल के अंदर पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा, बाकी आप सारे लेटर चेक कर सकते हैं, ये सभी स्मॉल रहते हैं, कोई भी कैपिटल नहीं आएगा, ओनली पहला वर्ड टाइटल जहाँ से स्टार्ट होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल आता है,
बाकी सारे वर्ड स्मॉल में आते हैं। और जैसे ही टाइटल कंप्लीट होता है, कंप्लीट होते ही आपको डॉट लगाना है और फिर एक सिंगल स्पेस देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों जर्नल का नेम। उसके बाद आप देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आप देख रहे हैं कि सभी का पहला लेटर कैपिटल है, जैसे कि एंड, ऑफ, इस टाइप के वर्ड्स को छोड़ के बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं उनका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आता है। और आप देखिए जितने भी जर्नल को जो लिखते हैं वो हमेशा इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ही आपका जर्नल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको जस्ट कोमा लगाना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कोमा लगा हुआ है, उसके जस्ट बाद आपको स्पेस देना है। और अब ये दोस्तों ये है वॉल्यूम नंबर, तो आपको वॉल्यूम नंबर लिखना है और हमेशा वॉल्यूम नंबर बोल्ड होता है तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। और उसके बाद ये आपको पेज नंबर लिखना है, ये पेज जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से, और ये पेज का आखिरी पेज नंबर। तो ये फर्स्ट पेज नंबर होता है और ये लास्ट पेज नंबर होता है, और बीच में डैश लगाना होता है। तो इस तरह से आप लिटरेचर सिटेट को लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप दोबारा आपको बता दें कि यहाँ पे आप देखिए ऑथर का नेम, वो भी लास्ट, और उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद इस तरह से आप ऑथर नेम लिखेंगे और यहाँ पे स्पेशली इस कोमा का और यहाँ डॉट और कोमा इसका ध्यान रखें, और साथ ही में स्पेस का ध्यान रखते हुए आप ऑथर्स के नेम लिखें पहले, और लास्ट में यहाँ पे कोमा लगा के स्पेस देना है आपको, और यहाँ ईयर लिखना है। ईयर लिखते ही आपको डॉट लगाना है और फिर एक स्पेस देना है, और फिर टाइटल का नेम, और टाइटल के नेम में पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा, बाकी सारे वर्ड छोटे आएंगे। फिर आपको यहाँ डॉट लगाना है और उसके बाद पहला स्पेस, और उसके बाद आपको जर्नल का नेम लिखना है, और उसके बाद फिर आपको कोमा लगा के स्पेस देना है, और फिर वॉल्यूम नंबर। और फिर दोस्तों ये देखिए वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर के बीच में ये जो आपको सिंबल दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं कोलन। आप अच्छे से समझ लीजिए दो फ्रेंड्स, कि स्टूडेंट्स को इसका नाम नहीं पता होता, इसका नाम होता है कोलन। और कई बार इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है, और कई बार जैसे सेमिनार आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि ये इस सिंबल का नेम क्या है। तो दोस्तों इसका सिंबल का नेम है कोलन, और आप इसका अच्छे से प्रोनंसिएशन के लिए आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पेज नंबर, और उसके बाद पेज नंबर कंप्लीट होने के बाद आपको डॉट लगाना होता है। तो इस तरह के से आप लिटरेचर सिटेट को लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमने एक और सेकंड एग्जांपल लिया है कि यहाँ तो हमारे पास ऑथर काफ़ी सारे थे तो हमने इस तरह से लिखा। अगर कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर दो ही ऑथर हो तो फिर किस तरह से लिखा जाता है, तो ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल आपको सिर्फ ऑथर समझाने के लिए लिया है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे बडावे और रेबिया ये दो साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने से दोनों ने ही मिलके ये रिसर्च कंप्लीट किया, तो इनके दो ऑथर हैं, तो इसका किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए ये इनका लास्ट नेम है और फिर कोमा, और फिर ये इनका मिडिल नेम और फर्स्ट नेम, और उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई भी कोमा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ कोई कोमा नहीं लगाना होता। उसके बाद बीच में एंड आ जाता है, एंड, उसके बाद इनका फिर लास्ट नेम, और फिर यहाँ कोमा देख पा रहे हो आप, और फिर यहाँ पे ई डॉट आई डॉट कोमा, और सेम पिछली बार हमने जैसे बताया था उसी तरीके से ईयर से पहले कोमा आ रहा है और स्पेस आ रहा है। सिर्फ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बीच में एंड आ गया कोमा की जगह। तो इस तरीके से अगर आपके दो ही साइंटिस्ट हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोमा नहीं लगाना, बाकी सारा इस तरह से ही आएगा। आप ये देख सकते हैं ये टाइटल है, इसमें पहला वर्ड कैपिटल आ रहा है और बाकी सभी स्मॉल में रहेंगे। उसके बाद यहाँ डॉट लगा हुआ है, उसके बाद ये जर्नल है पोस्ट हार्वेस्ट बायोलॉजी एंड बायोलॉजी टेक्नोलॉजी, उसके बाद आप देख सकते हैं कोमा लगा हुआ है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद आप देख सकते हैं वॉल्यूम नंबर जो बोल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ कोलन लगा हुआ है, उसके बाद इस सिंबल के बाद आपको पेज नंबर डैश 117 ये लास्ट पेज नंबर है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट लगाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप लिटरेचर सिटेट को लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको लिटरेचर सिटेट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अब आप भी आसानी से एरर फ्री लिटरेचर सिटेट लिख पाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम जल्द ही मिलेंगे हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।